नमस्कार सबको, नमस्कार उन सबको भी नमस्कार जो वेट कर रहे थे मेरी सुपर ब्रेव सीरीज का एपिसोड नंबर 1। और जहां तक मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोगों को इतना तो जरूर आइडिया होगा कि आज ये वाला वीडियो किस बारे में होने वाला है। जी हाँ, ये वीडियो होने वाला है हमारे डियर हेमंत अंग्रेश और साहिल भाई के बारे में, जो उन्होंने एक रिसेंटली वीडियो क्लिप पोस्ट की। बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास में क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे लोगों के पास में हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन है। सो आज जैसा कि मैं हमेशा आप सब लोगों के साथ फुल क्रेडिबिलिटी के आंसर्स, एक्चुअल और फैक्चुअल आंसर्स रखता रहता हूं, वैसे ही आज ये वाला वीडियो भी बनेगा और आप सब लोगों के लिए उसमें दिए जाएंगे हर एक बात के आंसर्स। जिन लोगों को बैकग्राउंड के बारे में नहीं मालूम, उन लोगों को आज थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में भी बताया जाएगा। और उस एक पर्टिकुलर वीडियो में जिन चीजों के बारे में बात की जा रही है, वो चीजें कहां तक स्टैंड करती हैं, उन चीजों के बारे में भी बात की जाएगी। सो गाइस, शुरू करते हैं कि हमारे हेमंत बाजी ने एक क्लेम किया कि उनको कभी भी 7 साल में किसी चीज का कोई पैसा या आने जाने की जो एक एक्सपेंडिचर होती है शो में, उसका उनको खर्चा नहीं दिया गया। सो यहां पर अपने मैं आंसर के ऊपर आऊं, उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों के साथ में शेयर कर देना चाहूंगा। 2016 में एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिस्टर मनीष गांधी ने शेरू क्लासिक नाम का जो इवेंट है वो मिस्टर शेरू अंग्रेश इनसे परचेज कर लिया था पैसे दे करके, और इसका एक साइंड वर्जन कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ये अवेलेबल है। और इसके अलावा उसमें कभी भी ऐसी कोई कंडीशन या कहीं पर भी कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं रखा गया जिसमें यह बात बताई गई हो कि मिस्टर हेमंत अंग्रेश लीगली या मैं कहूंगा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर शेरू क्लासिक के किसी भी वर्किंग में इन्वॉल्व रहेंगे। उनकी एक अपनी एक डेजिग्नेशन थी जो कि वो एनपीसी वर्ल्ड वाइड इंडिया और आईएबीबी प्रो लीग के डायरेक्टर थे हैं नहीं। सो जैसा कि मैंने बताया, 2016 में मिस्टर मनीष गांधी ने इस चैंपियनशिप को परचेज कर लिया था, और जितने भी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं सारे एक्सक्लूसिव राइट्स मिस्टर मनीष गांधी के पास में हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अगर आप अपनी कोई बिजनेस, अपनी कोई चीज किसी और को बेच देते हैं, तो क्या आप उसके बाद में उस पर कोई क्लेम रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो बताइए किस तरीके से रख सकते हैं। जितनी मेरी समझ है, या एक लेमैन बोलेगा वो यही कहेगा कि नहीं, उसके बाद में कोई क्लेम नहीं होता है। सो आई हैव नो आइडिया कि कहां से ये वाली बात निकल करके आ रही है कि 7 साल से कहीं पे पैसे नहीं मिले हैं और मेरे आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाता था। मैं बिल्कुल लास्ट शो के बारे में बात करता हूं जो 2023 में हुआ है मुंबई में। बड़ी स्पेसिफिकली मैं एक होटल का नाम लेना चाहूंगा, होटल ललित, रूम नंबर 8। यहां पर हमारे हेमंत पाजी को रिस्पेक्टिवली ठहराया गया था और ये सारा खर्चा जो था मिस्टर मनीष गांधी ने किया था। डेट्स आप सब लोगों को मालूम है, शो कब से कब तक का था, उन्हीं डेट्स पर हमारे हेमंत पाजी वहां पर अवेलेबल थे। इसके अलावा बात करते हैं कि हमारे हेमंत पाजी को जितनी भी अर्निंग होती थी वो कहां से होती थी? अगर वो 7 साल से शेरू क्लासिक से कुछ नहीं ले पाए तो वो कर क्या रहे थे? तो उनको अर्निंग होती थी एनपीसी के जितने शोज होते थे उसमें से। और इस चीज को कंफर्म करवाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो स्टेट हेड्स हैं और ऐसे लोग हैं जो मैनेजमेंट में काम करते हैं, जिनको इन टर्म्स के बारे में मालूम है कि कोई भी चैंपियनशिप होती थी तो उसके कितना परसेंट ऑफ अमाउंट हमारे हेमंत पाजी के पास में जाता था, और उस पैसे में से कहीं पर भी कोई लेना देना मिस्टर मनीष गांधी का नहीं होता था। इसके बाद में बात आती है कि क्या हेमंत पाजी आज भी एनपीसी वर्ल्ड वाइड इंडिया या आईएबीबी प्रो लीग के डायरेक्टर हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। 2023 के शो के बाद में यूएस की टीम ने, जी हां गाइस, मैं बड़ी स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, यूएस की टीम ने किन्हीं अकाउंट्स में, किन्हीं चीजों में बहुत अंतर देखा, और हमारे हेमंत पाजी ने उसके बाद में खुद से रिजाइन डाल दिया और वो रिजाइन भी एक्सेप्ट हो चुका था। आज करंटली
मिस्टर ओम प्रकाश अंग्रीश, वो इंडिया के डायरेक्टर हैं और वही एनपीसी की सारी चैंपियनशिप्स देख रहे हैं। गाइस, ये चीजें बहुत सिंपल चीजें हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई हवा बनाने वाली बात है। दो एंटिटीज जब आपस में काम करती हैं तो उनके पास में कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको साइन करना होता है और उसके बेसिस पर ही आप हमेशा बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। अगर जैसे बोला जा रहा है कि कोई भी चीज साबित की जाए, ऐसे ही मैं बोलूंगा कि कोई भी चीज साबित की जाए, कहां पर है कोई डॉक्यूमेंट जिस पर यह बात लिखी गई है कि आपको इतना पैसा मिस्टर मनीष गांधी ने देना है या किसी और ने पे करना है। ऐसी कहीं पर कोई चीज नहीं थी। और जब आपने एक बार एक शो अपना सेल कर दिया किसी को तो उसके बाद में कहीं पर कोई रिक्वायरमेंट रह भी नहीं जाती है। आगे बढ़ते हैं कि कब मिस्टर मनीष गांधी ने इस शो को परचेज किया था। यह शो परचेज किया गया था सन 2016 में। सो आप जोड़ सकते हैं कितने साल हो चुके हैं। और इस शो में जितने भी ऑफिशियल्स आते थे, चाहे वो जजेस हैं या कोई और है, उन सबका भी जो आने जाने का खर्चा होता था वो सारा खर्चा मिस्टर मनीष गांधी और उनकी कंपनी ही करती रही है। सो 100 बातों की एक बात, मैं एक मुहावरा आप सब लोगों के सामने रखना चाहूंगा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अगर अब आप इस जबरदस्ती के सौदे को किसी और के सिर पे थोपना चाहेंगे कि हमें इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है या हमें कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आपके हाथ में एक बहुत बड़ी मैं कहूंगा फेडरेशन थी, एनपीसी वर्ल्ड वाइड इंडिया एंड आईआरबीबी प्रो लीग। अगर शायद ये दोनों चीजें किसी और के हाथ में होती तो उनके लिए सोने की खदान होती। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूंगा कि साहिल भाई मेरी इस बात से बुरा नहीं मानेंगे और एतराज भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि उनके हाथ में ये दोनों चीजें आए और उनको इस फेडरेशन की कीमत भी मालूम है, वैल्यू भी मालूम है। चाहे वो जितना मर्जी कहते रहे प्लास्टिक कार्ड ये वो, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद वो कभी थाईलैंड में भी शो को स्पॉन्सर ना करते, ना करवाते, ना कभी वो यूएस जा करके जैसा कि वो क्लेम करते कि उन्होंने इस शो को ओलंपिया को यूएस ओलंपिया को स्पॉन्सर किया था जबकि एक दूसरी कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। सो वो कभी भी ना करते अगर ये प्लास्टिक कार्ड होता तो। और आज भी इस चीज की उतनी ही वैल्यू है, वर्ल्ड वाइड उतनी ही वैल्यू है जितनी की पहले थी। पिछले 70 सालों से आईएफबीबी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और ऐसे ही आगे करती भी रहेगी। जिन एथलीट्स को एक प्रो कार्ड की कीमत का अंदाजा है वो ऐसे ही जुड़े रहेंगे, अपनी मेहनत करते रहेंगे। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रूमर्स पहले भी थे, आज भी हैं और मे बी आने वाले टाइम में भी होंगे, लेकिन एथलीट्स को अपने दिमाग में इन कंफ्यूजन्स को नहीं बिठाना चाहिए। और मैं जाते जाते मैं मेरा वीडियो यहीं पर ही खत्म करूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता था। जाते जाते मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमें हमारे अपनों से ही कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कभी भी हमारे घर के बाहर जाकर के किसी से बात नहीं करनी चाहिए। हमें हमारी समस्या का हल हमारे हमारे घर पर ही बैठ करके सुलझाना चाहिए। और आई एम श्योर कि हेमंत पाजी भी इस चीज को कहीं ना कहीं एहसास जरूर कर रहे होंगे कि उन्होंने घर से बाहर जाकर के घर की सारी बातें निकाल दी हैं और आई डोंट नो अब वो कैसे इस चीज को टैकल करेंगे या क्या करेंगे। उनके घर में ही उनके फादर जो बहुत समझदार हैं उनके पास जा सकते थे, उनसे बात कर सकते थे और मे बी दोनों भाई आराम से बैठ करके बात कर सकते थे। बट अब सिचुएशन दूसरी है और चीजें डिफरेंट तरीके से रोल आउट हो रही हैं, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि चटकारे लेने वाले ले रहे हैं और वीडियोस बनाने वाले वीडियोस बना रहे हैं हंसते हंसते। सो इतना सा ही ये वीडियो था, ये है एपिसोड नंबर 1। आगे जैसे जैसे जोन सी भी अपडेट्स होंगी वो मैं लेकर के आता रहूंगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जितनी भी बातें आज मैंने बोली हैं इन सारी बातों के प्रूफ साइंड वर्जन्स ऑन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और जो रेलिवेंट लोग होंगे उनको वो सारे प्रूफ और डॉक्यूमेंट जरूर दिखाए जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो वेरी मच।